लगातार कई वर्षों से मसूरी पिक्चर पैलेस, बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड को हाईटेक बनाने की कवायद चल रही थी, जिसको देखते हुए नगरपालिका मसूरी के द्वारा हाईटेक बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड का निर्माण करवाया गया, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान जानकारी देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि मसूरी में देश विदेश के हजारों सैलानी प्रतिवर्ष घूमने आते हैं, लेकिन संकरी रोड होने के कारण उनको जाम का सामना करना पड़ता है। बताते चलें कि कुछ दिनों पहले अतिक्रमण की कार्रवाई में जिन लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए थे, उनको बस अड्डे में वेंडर जोन के माध्यम से दुकानें बनाकर आवंटित की गई हैं। वहीं शहर के स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय देने के लिए उन्होंने बाध्य होने की भी बात कही। और साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ के कारण इन विकास कार्यों में अवरोध पैदा करने का प्रयास करेगा तो जनता के सामने उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। ये चीफ सेक्रेटरी की बैठक में यह डिसाइड हुआ था कि मसूर में वेंडर जोन की जगह चिन्हित की जाए, और इसी क्रम में एक कमेटी गई थी, कमेटी का गठन किया हुआ था जिसमें एसडीएम मसूरी, ईओ, नैब तहसीलदार, पूरी एक कमेटी थी, और उसमें एसडीएम साहब द्वारा खुद ही निरीक्षण करके वो जगह फाइनल की गई थी। लेकिन कुछ लोग लगातार प्रशासन को मिसगाइड करते हुए बोल रहे हैं कि ये दुकानें कैसी बनी है, ये वेंडर्स की कैसे बनी है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री हमारी वेंडर्स योजना है उसके अंतर्गत, जो उसके नियम है उनके अंतर्गत ये वेंडर्स को आवंटित की जाएगी। और जहाँ तक रोड साइड की बात करते हैं, ये पालिका की अपनी भूमि है, जो रोड साइड में प्रशासन को दिक्कत थी वो शॉप्स हम हटा चुके हैं, किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक में व्यवधान नहीं है। केवल एक ईर्ष्या से और एक राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग इसमें जो गरीब लोगों को रोजी मिल रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और अगर इसी में किसी तरह का व्यवधान पैदा होता है किसी तरह, तो जनता के बीच में जाके, उन गरीबों के बीच में जाके इन जो संस्था उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।